वेलकम टू आवर चैनल। आज है 5 जुलाई 2020। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। जितने भी करंट अफेयर्स 5 जुलाई 2020 में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। मारियो गोमेज निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। मारियो गोमेज ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। और जर्मनी के करेंसी क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मत्स्य पालन और जल कृषि समाचार पत्र मत्स्य संपदा का पहला संस्करण प्रकाशित किया है? ऑप्शन मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय मत्स्य विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। हमारे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग कब स्थापित किए गए? तो 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग के मुख्यालय कहां है? तो न्यू दिल्ली में है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके फैक्चुअल पॉइंट्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर ने सभी नैदानिक परीक्षणों के पूरा होने के बाद 15 अगस्त 2020 तक सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? ऑप्शन जाइड्स कैडिला, पिरामल, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के मुख्यालय कहां है? तो हैदराबाद में है। भारत बायोटेक के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर कृष्णा एम इल्ला। कौन है? डॉक्टर कृष्णा एम इल्ला। भारत बायोटेक कब स्थापित किए गए? तो 1996 में। आईसीएमआर के फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर कब स्थापित किए गए? तो 1911 में। और आईसीएमआर के मुख्यालय कहां है? तो न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके फैक्चुअल पॉइंट्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए 2 साल के लिए 3,000 रुपए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? ऑप्शन तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इडापड्डी के पलनीसामी। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? अन्नामलैया नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उकई। छत्तीसगढ़ के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? इंद्रावती नेशनल पार्क। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है, रविंदर भास्कर ने निम्नलिखित में से किसके सीईओ के रूप में पदभार संभाल लिया है? ऑप्शन ट्राई,
सेबी, सीबीएफसी, एनएचबी। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीबीएफसी। सीबीएफसी के फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस। सीबीएफसी के मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और सीबीएफसी कब स्थापित किए गए? तो 1951 में। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। और सेबी के मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। सेबी कब स्थापित किए गए? तो 12 अप्रैल 1992 में। कब? 12 अप्रैल 1992। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा का भविष्य 9 मेगा ट्रेड्स पर एक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन वेंकैया नायडू, चेतन भगत, अभय कुमार, रविशंकर प्रसाद। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेंकैया नायडू। बुक का नाम क्या है? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। उच्च शिक्षा का भविष्य 9 मेगा ट्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 1 जुलाई, 2 जुलाई, 20 जुलाई, 29 जून। 20 जून। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 जुलाई। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। और 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, कौन सा दिवस? नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, नेशनल पोस्टर्स वर्कर्स डे। अगला क्वेश्चन है, सरोज खान का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन कोरियोग्राफर, लेखक, गायक, चित्रकार। तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन ए, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत में एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? ऑप्शन $250 मिलियन, $500 मिलियन, $750 मिलियन, $1000 मिलियन। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, $750 मिलियन। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपस। और विश्व बैंक कब स्थापित किए गए? तो 1944 में। एमएसएमई के फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने मोबाइल मास्टर जी स्थापित करने के लिए एक कक्षा विकसित की है? ऑप्शन आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई। तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर कौन है? अभय कर्णाधिकर। कौन है? अभय कर्णाधिकर। और आईआईटी कानपुर कब स्थापित किए गए? तो 1959 में। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर कौन है? भास्कर रामामूर्ति। कौन है? भास्कर रामामूर्ति। आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर कौन है? अजीत के चतुर्वेदी। और आईआईटी मुंबई के डायरेक्टर कौन है? सुभाषिस चौधरी। कौन है? सुभाषिस चौधरी। अगला क्वेश्चन है, बेट 2020 मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बेट, बीईटी, बेट 2020 मानवतावादी पुरस्कार। ऑप्शन पॉप स्टार बेओचे, राज शेट्टी, सिद्धार्थ मुखर्जी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, पॉप स्टार बेओचे, बीई वाई ओ एन सी ई, पॉप स्टार बेओचे। बेट 2020 मानवतावादी पुरस्कार किसके द्वारा प्रेजेंट किए गए? तो माइकल ओबामा।
माइकल ओबामा के द्वारा प्रेजेंट किए गए। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, दिन का प्रश्न। भारत सरकार ने एनबीएफसी, एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए कितनी राशि की विशेष तरलता योजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन 10,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा डिस्कशन के साथ। ये टोटल कंप्लीट 5 जुलाई 2020 में से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए और अपने सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।